Hi guys, how are you? Guys, I am Sadiq Anwar from India. I am doing for job in Saudi Arabia now. Guys, today I am talking about concrete industries. What is the concrete industries? Guys, मैं ये बताना चाहूँगा कि concrete industries होता क्या है. Concrete industries is the part of the civil construction lines. ये एक material की plant होती है जहाँ concrete तैयार होता है. गाइस, मैं आज आप लोगों को अपनी कंपनी का कंक्रीट के बारे में बताऊंगा और प्लांट का पूरा इंट्रोडक्शन आपको दिलाऊंगा. तो गाइस, चलते हैं फिर प्लांट की तरफ. गाइस, ये हमारे कंपनी का मेन गेट हो गया है. यहाँ से हमारा थोड़ा गाड़ी आती है और ये स्केल गेट हो गया. जितने भी गाड़ी मटेरियल का गाड़ी आता है यहाँ से होके आता है. ये मकतब एरिया, ये ऑफिस का एरिया हो गया है. यहाँ पूरा पार्किंग का एरिया है. ये पूरा पार्किंग का एरिया है. अभी गाड़ी हमारा गाड़ी साइड पे गया हुआ है, इसलिए गाड़ी एक साइड पे नहीं है. दो सेलो ओपीसी की है और दो एसआरसी की है. ये ओपीसी क्या होता है, एसआरसी क्या होता है, ये अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको. सबसे पहले बताऊंगा ये हमारा प्लांट है. ये प्लांट जो है 3 क्यूबिक मीटर इसका कैपेसिटी है. एक बैच में 3 क्यूबिक मीटर. अगर हम 12 क्यूबिक मीटर गाड़ी को लोड करेंगे इसका 4 बैच बनेगा. जैसे पर बैच में 3 क्यूबिक मीटर इसमें कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ेगा. केमिकल जो यूज़ करता हूँ, एक सीका रिटार्डर है और एक सीका सुपर प्लास्टाइजर है. ये जो हमारा हार्डनेस कंक्रीट में यूज़ करते हैं, ये हमारा नॉर्मल जो ग्रेड का कंक्रीट तैयार करते हैं उसमें इसको यूज़ करते हैं. ये सीमेंट का सेट होता है, यहाँ से जो कनेक्ट होता है. सारा मटेरियल रहता है. रेड सैंड इसमें रहता है, इसमें 10 NM रहता है, जिसको अभी 3 NM बोलते हैं. अभी इसको वॉश बोला जाता है. ये 3-4 है गाइस, ये 3-4 टू केबिन में रखा हुआ है. 3 केबिन जो है, यानी 10 NM जो है 1 केबिन में, और रेड सैंड जो हमारा 1 केबिन 1 केबिन में, उधर 3-4 यानी 20 NM. ये इतना चीज़ मिल के ये मटेरियल
का कंपोजिशन है जो सारा कंपोजिशन मिलते हुए मेरे लिए तैयार होता है दोस्तों। ये कॉन्क्रीट इंडस्ट्रीज का रेडमी से ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कंक्रीट का जरूरत पड़ता है। किसी भी स्ट्रक्चर में चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो या रोड ब्रिज एनी वर्क में हम कंक्रीट को यूज करते हैं। इसीलिए ये कंक्रीट जो है पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइन का बहुत ही बड़ा पार्ट माना जाता है। रेडीमिक्स कंक्रीट जो होता है ये बहुत ही वर्केबल कंक्रीट होता है। अगर हम साइट पे इतना कंक्रीट तैयार करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, इसलिए एक अलग से डिपार्टमेंट रखा गया जिसको बोलते हैं आरएमसी प्लांट। इसे मैं आरएमसी प्लांट बोलते हैं जिसे रेडी मिक्स कंक्रीट बोला जाता है। यहाँ से कंक्रीट को रेडी करके फिर उसको साइट पे डिलीवरी किया जाता है। गाइस इसे रेडी मिक्स प्लांट बोलते हैं। गाइस ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको लाइक अगर आपको पसंद आए तो हमारे इस वीडियो के इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ओके गाइस थैंक यू।